Journey is very exciting, very challenging because Veera is was a set show, and it was moreover a challenge because kids were doing so good that it was a challenge कि अच्छा अब उनके जैसा करना है. But it's like a जैसे रिले गेम होती है कि एक बंदा भाग रहा होता है, दूसरे को देता है, उसको वो कंपटीशन जो हमें लीड मिली है वीरा, जितने भी जो भी बच्चों ने किया उनसे जो लीड मिली है, वी हैव टू कैरी दैट. या मेट देम, वेरी क्यूट, बोथ ऑफ देम, भावेश एंड हर्षिता, बोथ ऑफ देम. नो नो नो, आई वॉज नॉट स्केर्ड, बट या आई वॉज स्केर्ड बिकॉज, बट फॉर वीरा आई वॉज नॉट, बिकॉज पहले मुझे लग रहा था यार सास बहू टाइप ड्रामा शो होगा, बट वीरा वॉज इज अ क्रिटिकली एक्लेम्ड शो एंड आई वॉज थिंकिंग के ओके नाउ वी हैव टू एक्ट. फर्स्ट आई ऑडिशन फॉर बलदेव बिकॉज आई थॉट के रणवीर इज वेरी बोरिंग कैरेक्टर एंड ही इज वेरी टू द सिस्टर एंड वेरी गुड. एक्चुअली ही इज वेरी गुड. रणवीर कोई भी ऐसी चीज़ ही नहीं कह सकते जो रणवीर में ख़राब है, ही इज़ वेरी गुड. सो आई ऑडिशन फॉर बलदेव, दो आई डेंट नो द नेम बलदेव, वैन आई गॉट टू नो द नेम इज बलदेव, सो आई थॉट बलदेव नो 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 नॉट द नेम, फॉर मी नेम मैटर्स, कहना अच्छा ये नाम है. तो वो रणवीर जे, फिर जब मैंने ऑडिशन दिया तो ऑटोमेटिकली कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया, बट बलदेव से भी बहुत अच्छा. मैंने बलदेव का दिया था, उसमें भी सिलेक्ट हुआ था, एंड रणवी का उससे भी बहुत अच्छा हुआ. सो आई थॉट कि कुछ था, रणवी ही करना था, डेस्टिनी. या व्हाट आई हैव हर्ड इज फीडबैक इज़ वेरी गुड सबके लिए, एक्चुअली पूरी टीम के लिए, मेरे लिए भी, एंड अभी तक तो अच्छा ही है, किसी के ऐसे सुना नहीं मैंने, बट इट्स वेरी गुड टिल नाउ. एक्चुअली आई वॉज नेशनल शूटर एंड आई वॉज इन टू एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स एंड आई जस्ट डन माई BBA BCom फ्रॉम दिल्ली, देन आई जस्ट स्टार्टेड मॉडलिंग, देन आई हैव अप्रोच्ड फ्रॉम फोर लाइन्स, सुवरीन गुक्कल क्रिएटिव ऑफ आर शो अप्रोच्ड मी एंड मुंबई आ गया. फिर सुवरीन करने के बाद वीरा, या एवरी वन एवरी वन, बेसिकली इट वॉज अ ह्यूज शो ना, सो एवरी वन इज आर एज, घूमना फिरना एवरी थिंग. हाँ वो तो होती है ऑब्वियसली, हर जगह आ जाता है, बट उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है, ऑडियंस ने बोला है उनको, बट मेरा टास्क भी यही था कि यार क्योंकि ऐसा ना लगे, चीटेड फील ना हो कि यार कल कल तो बच्चा था आज ऐसा है, ये तो ऐसे करता था ऐसे ना करे, तो छोटी छोटी चीज़ें, स्माइल, एक्टिंग, उसका उठना बैठना, तो हमने कुछ चीज़ें ट्राई की हैं जो बचपन से, क्योंकि हम बचपन से जैसे होते हैं कोई कोई चीज़ें रह जाती हैं हमारे में, तो आई ट्राइड के ऐसा ना फील हो किसी को भी.